23 मई को सपा बसपा गठबंधन की दोस्ती खत्म हो जाएगी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से केरल तक पहुंच गए। राहुल को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। राहुल गांधी मुस्लिम लोग के भरोसे वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बयान रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में दिया। मनोज सिन्हा गाजीपुर के कुर्था गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। मनोज सिन्हा ने गाजीपुर की सदर तहसील में करीब एक दर्जन सभाएं कर जनता से संवाद किया। लोकसभा तथा निघासन विधानसभा का होने वाले उपचुनाव की रैली को संबोधित करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अजय मिश्र तेनी तथा उपचुनाव के मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी पटेल शशांक वर्मा के लिए जनता से समर्थन मांगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मजबूत करने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसा, वही गठबंधन की पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सभी से कमल वाले खाने पर वोट देने की अपील की है। चुनावी सभा में खीरी जिले के सभी विधायकों सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राम कुमार वर्मा जी और समय दिवंगत हो गए, आज वे हमारे बीच में नहीं है। बहुत बड़े किसानों के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, कई बार सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों में रह करके प्रदेश के विकास में, किसानों के विकास के लिए, लखीमपुर खोरीखीरी के विकास के लिए उन्होंने बड़ा अभूतपूर्व कार्य किया था। यहाँ के किसानों की लड़ाई को बड़ी जीवंतता के साथ लड़ते हुए यहाँ के विकास को नई ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया था। आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी विरासत को संभालने के लिए शशांक वर्मा हमारे बीच में आए हैं। और भाइयों बहनों, शशांक वर्मा का जोरदार स्वागत होना चाहिए। शशांक वर्मा उनके उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के निघासन विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। खबर गाजीपुर से है, जहां नौनहरा थाने की पुलिस ने बैंक फ्रॉड कर लोगों के खाते से रुपए निकालने वाले ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्त अंचल गौड़ के पास से एक अदद मार्फो स्कैनर मशीन, 10,000 नकदी, मोबाइल, आधार कार्ड और पासबुक की कई प्रतियां बरामद की गई। पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के 8वां मोड़ तिराहे से की है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त बीते 16 मार्च नौनहरा के पारा गांव निवासी रोहित गुप्ता के बैंक खाते से धोखाधड़ी करते हुए 10,000 निकाले जाने का आरोपी है। देखिए, ये नए प्रकार के अपराध है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। एक वादी रोहित गुप्ता ने मार्च के महीने में ये सूचना दी थी कि उसके खाते से 10,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र करा लिए गए। जो तहरीर में उसने सूचना दी उसके आधार उसके उसमें बताया गया कि उसको एक मशीन पर उसका अंगूठे का इम्प्रिंट लिया गया और उसका आधार नंबर पूछा गया। हमारी सर्विलांस टीम और SOG टीम ने बड़ी मेहनत करके इस केस को विकसित किया, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरह के अपराध हैं, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। जो डिजिटल सहमति है
वो किसी धोखाधड़ी के प्लेटफॉर्म पर अर्जित की जाती है। जैसे इस केस में जो अभियुक्त प्रकाश में आया और पकड़ा गया वो अंचल गौड़ है, कासमाबाद का रहने वाला, जो टेक सेवी है, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो पेमेंट्स होते हैं उनके संबंध में उसे अच्छी जानकारी है। पहले वो सोना फाइनेंस गोरखपुर में काम करता था, वहाँ उसकी ट्रेनिंग भी हुई उसकी 6 महीने की। यूपी के रामपुर में जया प्रदा ने आजम खान को दबंग बताकर भू माफिया तक कह डाला। कहा, आजम खान ने गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, हम ये नहीं करते हैं, इसलिए आजम खान से उनके जुल्म से जनता परेशान है। पूर्व चुनाव में आजम खान जिस तरह उनके ऊपर हमला किए और आतंक के नाम डराया धमकाया, पुलिस से बार बार छापा लगवाते थे। आजम खान ये चाहते है कि जया प्रदा रामपुर से भाग जाए, परंतु वह रामपुर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। चुनाव में आजम खान जिस तरह हमारे ऊपर हमला कराया और एक मुझे आदम के नाम से, मतलब मेरे कमरे को 24 घंटे से हमने घिराया, पुलिस को बार बार छपा करवाता था, तो ये जो आजम का इस तरह का जुल्म करता है, चाहे पता भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते, ये तो चुनाव आयोग कर रही है, जो जिनके पास पैसे से भ्रष्टाचार से वही प्रत्याशी जया प्रदा ने कहा कि आजम खान पर इल्जाम भी लगाया। कहा, आजम खान जो काला चश्मा पहनते हैं उसमें एक्सरे मशीन है, यह उन्हें पता है, लेकिन उस चश्मे से महिलाओं के अंदर देखने की आदत आजम खान की है, जनता आजम खान से बदला लेगी। देखो, इस तरह का काली चश्मा पहन के उस चश्मे के अंदर एक्सरे मशीन है, ये मुझे पता नहीं है किसके महिलाओं के अंदर के कपड़े किस रंग की है, ये देखने की आदत आजम खान को है, हमें नहीं है। बिल्कुल इनसे बदलाव लेने के लिए कोशिश कर रही है, जनता आक्रोश है। बुलंदशहर एडीएम ने किया जिला अस्पताल का सुबह 8:30 औचक निरीक्षण। निरीक्षण में अस्पताल में काफी कमियां पाई गई, 12 डॉक्टर अनुपस्थित थे और बाकी स्टाफ भी अनुपस्थित था। एडीएम ने सफाई को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और साथ ही साथ बेड्स को भी लेकर काफी गुस्सा व्यक्त किया। मानक के अनुसार अस्पताल में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। एडीएम ने अनुपस्थित स्टाफ का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। लगभग 8:30 से 9:15 तक जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। CMS डॉक्टर रामवीर सिंह स्वयं एब्सेंट थे, इनके अलावा 12 डॉक्टर एब्सेंट थे और बाकी स्टाफ में भी काफ़ी एब्सेंट थे, क्योंकि जब CMS स्वयं नहीं थे और डॉक्टर्स तो कई OPD के कई, जैसे आँखों का, डेंटल का और इसके अलावा बाल रोग में फिजिशियंस, ये सब कई चैम्बर खाली थे, जबकि वहाँ पर पेशेंट्स की बाहर लाइन लगी हुई थी। इसके अलावा वार्ड्स चेक किया गया, वार्ड्स में चादरें डली हुई बदली जाती हैं जैसा कि पेशेंट्स ने बताया, जबकि चादरों के दिन वार कलर निर्धारित हैं जिससे क्लियर हो सके चादर चेंज की नहीं की गई, एक तो वो चीज़ लागू नहीं। दूसरा, यहाँ पर जो बाथरूम्स वगैरह जैसे टॉयलेट्स हैं वो काफ़ी गंदे थे, जो प्राइवेट एजेंसी जो एक नामित है उसके द्वारा सही ढंग से सफाई नहीं की जा रही है। बायोमेडिकल वेस्ट भी टाइम टू टाइम में उठाया जा रहा है। इन दोनों एजेंसियों का जो मानदेय होता है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ना पेमेंट करने की संस्तुत की जा रही है और जो डॉक्टर्स आज एब्सेंट पाए गए इनका आज के वेतन काटने की संस्तुत किया। डाइट जो यहाँ दिया जा रहा है वो दोपहर का और शाम का दिया जा रहा है, बट नाश्ते में नहीं दिया जा रहा कुछ, ये भी हम शासनादेश निकाल करके इसका कंप्लायंस इंश्योर करेंगे और जितने दिनों से शासनादेश के अनुसार उसने नहीं दिया होगा उतनी कटौती की जाएगी।